उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ गाइस। आप लोग वैसे सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग की तबीयत कैसी है? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मेरी तबीयत ठीक है। जो नजला खांसी हो रहा था वो भी ठीक हो चुका है मेरा, और कोई तो काम ही नहीं है मेरे ख्याल में। सोना सोना सोना। अच्छा इन लोग की रूटीन बताऊँ और मेरी रूटीन में देखना फर्क बताना आप लोग कितना है। स्कूल गए, स्कूल से आने के बाद मैं सोता नहीं हूँ, सीधा मदरसे चला जाता हूँ। ये लोग आके सो जाते हैं 4 बजे तक, इन लोग के कैसा बातें हैं। और मैं 3 बजे चला जाता हूँ, 3:30 बजे जाता हूँ मैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग उठे रहते हैं जब हो जाता है। ये लोग हम लोग 5:30 बजे तक मदरसे में बैठे रहते हैं, 5:30 बजे तक ये लोग आएंगे लेने। 5:30 से ले तक 7:30 बजे तक हम लोग की छुट्टी हो जाती है 7:45 तक के। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा घर पे, खाना वाना खाकर व्लॉग, जो थोड़ा सा बीच में टाइम मिलता है उसके अंदर व्लॉगिंग करता हूँ मैं। व्लॉगिंग करने के बाद रात में एडिटिंग करते हैं भाई हमारे मोटा भाई। उसके बाद हम लोग चले सोने के लिए, लेट जाते हैं व्लॉगिंग शॉलिंग करके, उसको एडिटिंग पे लगा कर अपलोड कर देते हैं जो आप लोग देखते हो व्लॉग। उसके बाद मेरा तो ये हो गया, ये लोग आते हैं जैसे मैंने आप लोग बताया ट्यूशन गए, ट्यूशन के आने के बाद मोबाइल खेला, मोबाइल खेलने के बाद इन लोग को तो व्लॉग बनाना नहीं है, बस व्लॉगर भाई व्लॉग बनाते हैं। और ये हो गया। उसके बाद ये लोग आएंगे, गेमिंग करेंगे, थोड़ी सी गेम खेलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? और आज का तो यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं गाइस, कल मैंने मिस कर दिया सीन। कल हमारे स्कूल में था ओपन हाउस, कल और परसों दोनों दिन था, मैं गया ही नहीं। मेरे दोस्त बता रहे हैं स्कूल में क्रिकेटर क्या कहते हैं सरफराज अहमद आए हुए थे, और मोमो बुलबुले वाली वो भी आई हुई थी बाबा। मेरे दोस्त बता रहे हैं, और दोस्त मेरे बोल रहे कि कल तुम आए नहीं, तुमने इतना अच्छा वो मिस कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने बोला कि उसके अंदर था क्या ओपन हाउस के अंदर, मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो दोस्त बता रहे हैं कि ओपन हाउस के अंदर था फेस्टिवल लगे हुए थे, फेस्टिवल के अंदर जो ना बुक स्टॉल्स वगैरह थे, और मिस मैंने जो आप लोग को बताया था मिस वगैरह के जो थे ना प्रोजेक्ट वगैरह वो प्रोजेक्ट थे। अब मैंने बोला प्रोजेक्ट मिस ने इतनी मेहनत करके बनाया एक दिन के लिए, बस सोचने वाली बात है। तो अभी पता नहीं टाइम हो रहा है 3:30 गाइस, आप लोग देख ही सकते हो 3:30 बज रहे हैं 3:30। और अभी मेरे ट्यूशन का टाइम होने वाला है, अंकल आते हैं, अंकल के साथ जाएंगे ट्यूशन यानी कि मदरसे, पहले मदरसे के बाद था भाई हमारे ब्लॉगर भाई और मोटा भाई लेंगे हमें, फिर हम लोग जाएंगे ट्यूशन। उसके बाद ट्यूशन जाने के बाद आप लोग के बाद मिलेंगे, लेकिन उसके बीच में भी मैं आप थोड़ी सी और व्लॉगिंग शॉट के लिए आप लोग को दिखा दूंगा व्लॉग में, बोला आप देख देना। और कल की गाइस आप लोगों ने मेरे इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया है मेरे सब्सक्राइबर में, कि आप लोगों ने मेरे 1300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोग का थैंक्स। जल्दी से आप जाके सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक आप लोगों ने एस बी ब्लॉगर ज्वाइन नहीं करा तो जाकर जल्दी से जाके लाल कलर का बटन है उसको दबा दो, और उसके अंदर मैजिक भी हो जाता है वो, उसको लाल कलर के बटन को दबाओगे सिल्वर हो जाएगा, और उसी के बराबर में एक बेल आइकन है उसको दबाते ही ना उसके ऊपर वो यहाँ करके वो डॉग होते हैं ना, डॉग के जो एयर्स होते हैं एयर वो हो जाते हैं क्या नाम है एयर्स, तो ऐसे हो जाएगा। जल्दी से जाके दबाओ बटन और ज्वाइन कर लो एस बी ब्लॉगर। तो अभी चलते हैं ट्यूशन, खाना वाना खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। ओके खाने में है क्या तू, हम खाने वाले हैं, खाने में डिश बनी हुई है गाइस, आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाज वाज सुभान अल्लाह। आज बना हुआ है भाई आलू का सालन, आलू गोश्त बना हुआ है। बहुत भूख लग रही है क्योंकि स्कूल में सिर्फ 10:30-11 बजे तक हम लोग लंच करते हैं, ब्रेक जिसे हम ब्रेक टाइम कहते हैं ऑफिशियली, उसका नेम ही ब्रेक है। तो अभी करते हैं हम लोग खाना खाते हैं, मिलते हैं खाने के बाद। तुम लोग का तो बता, मुझे भी तो खाना खाने दो, आप लोग ही खाते रहोगे नहीं ना, तो मुझे भी खाने दो, खाते हैं खाना उसके बाद मिलते हैं खाने के बाद। खाने का थोड़ा सा क्लिप भी दिखा दूंगा भाई, ये देखो चुलबुल पांडे, बहुत भूख लग रही है खुद यार है, बहुत भूख लग रही है। बाल ये बॉल क्या करे, मैं बॉल क्या करे ये है चुलबुल पांडे, ये बॉल पीछे करो, बॉल पीछे करो, बॉल पीछे करो तो है भाई, ये कोई सही नहीं है, ये स्टाइल चल रहा है, बाल कटवा दे गंजा करवा दे, जल्दी से जाके आप लोग बताओ इसको गंजा करवा देंगे, फिर पापा से बोलकर गंजा होगा ठंड के ऊपर जब ढोल डफलियां बजानी पड़े, आपको भी गंजा करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, हमारे माशाल्लाह से बाल बहुत अच्छे हैं।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो गाइस अभी खाते खाना भाई बैल बच्चे मिलते खाने के बाद। A few inches later गाइस हम लोग खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं और भाई जा रहे हैं अभी हम लोग ट्यूशन, तो मिलेंगे ट्यूशन यानी मदरसे जा रहे हैं तो मिलेंगे क्या नाम है मदरसे में ही, मदरसे के बाद वो टाइम पे शॉर्ट क्लिप बना दूंगा तो मिलेंगे उसके बाद। भाई जाना है नीचे पटवाओगे क्या डर तुम लोग? नहीं ना तो बस चुप रहो साले। A few moments later गाइस भाई हम लोग को, मैंने आप लोग को बोला था गाइस के हम लोग बीच में आप लोग को मैं शॉर्ट क्लिप दिखा दूंगा लेकिन मैं दिखा ही नहीं पाया था शॉर्ट क्लिप क्योंकि गाइस क्या कहते हैं जो ट्यूशन वाले सर है ना उनको भी यार जाना क्या नाम है जल्दी करना होता है, वहीं पर ही थोड़ी बना दूंगा और मुझे भी देर हो गई थी ट्यूशन से, मैं 7:45 तक ट्यूशन से निकला हूँ तो सोच सकते हो तुम लोग, तो 7:45 तक निकला तो 8 बजे तक मैं घर पर आया हूँ। और अभी आप लोग को चीज दिखाता हूँ, ये देखो नवाई नवाब शाह ये चेक कर ले ब्लॉगर भाई को, भाई लगे पड़े हैं अपने उसके अंदर। और ये मोटा भाई हमारे कैमरामैन लड़कियों की तरह गंदा बहुत आता है इन लोगों लड़की लड़की बोलेगी मोटा भाई लड़की तो। और हमारे अभी कारी साहब भी आने वाले हैं, कारी साहब तो पढ़ेंगे, कारी साहब से अभी 10 बज रहे हैं वो आ जाते हैं कह रहे मैं 10:15 तक आ जाते हैं वो लोग। और मुझे थोड़ा सा खाना काम वाम भी करना था अपना तो वो भी काम करते हैं और खाना वाना खाते हैं उसके बाद लेट कर सो जाएंगे हम लोग। बीच में ब्लॉग एडिटिंग करना है भाई, ब्लॉग एडिट करना है तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब कर देना आपका छोटा भाई एस बी ब्लॉगर, दुआओं में याद रखना, जब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।